प्रधानमंत्री मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली, दूर की वैक्सीन से जुड़ी शंकाएं। प्रधानमंत्री को कोरोना टीका लगाते वक्त दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद, वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में ही रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेता ने लगाया कोरोना टीका, साथ में मौजूद थी केरल की नर्स रोसा मानल। वैक्सीनेशन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने गले में डाल रखा था असम का गमछा। पीएम मोदी ने खुद कोरोना टीका लगवाने के साथ जनता से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की, कहा वैक्सीन लगवाकर देश को कोरोना मुक्त बनाएं। वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नर्सों पी निवेदा और रोसम्मा की तारीफ की, सिस्टर पी निवेदा की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना टीके पर हैदराबाद के कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर का बयान, बोले वैक्सीनेशन ठीक लेकिन कोरोना काल के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। वैक्सीनेशन आप भी लिए, सब लोग लेना है, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मगर कोरोना का नुकसान को आप क्या करने वाला है ये जनता को बताने की जरूरत है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी टीकाकरण शुरू, रजिस्ट्रेशन का किया गया है इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हीलचेयर पर बुजुर्ग को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, काफी तादाद में टीका लगवाने के लिए पहुंचे बुजुर्ग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाया वैक्सीन, अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार, रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कत। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से विशेष कैंप, विधायकों पार्षदों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगवाएंगे कोरोना का टीका, दोपहर 1 बजे पटना के IGIMS में नीतीश का होगा वैक्सीनेशन। बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण की कीमत भी सरकार देगी, बिहार में हर शख्स को लगेगा फ्री में टीका। एक बार फिर देश का कोरोना ग्राफ ऊपर भागा, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस, फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अलीगढ़ में कोरोना काल में बंद दिल्ली एमयू फिर शुरू, मुसाफिरों को हुई सहूलियत। मेरठ में खुले छोटे बच्चों के स्कूल, जोश के बीच हुआ बच्चों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए हैं प्राइमरी स्कूल, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन जरूरी। ओडिशा के संबलपुर में 25 इंजीनियरिंग छात्र कोरोना पीड़ित, यूनिवर्सिटी को बंद किया गया, हॉस्टल कंटेनमेंट जोन घोषित। महाराष्ट्र के बारामती में एक स्कूल में कोरोना का खौफ, एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, कहा खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने लगवाया टीका, इससे लोगों की हिचक भी दूर होगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा का भी ट्वीट, पीएम के टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। कृषि क्षेत्र पर वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग पर ज्यादा करना होगा फोकस, इस बात की है जरूरत कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बाजार मिले। पीएम मोदी ने कहा गांव के पास एग्रो इंडस्ट्री सेंटर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव में ही लोगों को मिल सके रोजगार। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी के दौरे पर, राहुल आज छात्रों के साथ होंगे मुखातिब, मछुआरों की नाव रैली में भी करेंगे शिरकत। 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना। प्रियंका गांधी ने कहा मां से मांगा असम के लोगों की खुशहाली का आशीर्वाद, बोली असम में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन।
खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। मैंने माँ का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। असम में अब की बार बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, कहा चुनाव में बीजेपी को होगा 25 से 30 सीटों का घाटा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी के दौरे का उड़ाया मजाक, पर्यटक से की तुलना, बोले राहुल के आने से बढ़ेगा टूरिज्म, इसके लिए उनका धन्यवाद। सीएम पिनरई विजयन ने किया सवाल, जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर उन राज्यों के दौरे पर क्यों नहीं जाते राहुल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव के भी किए दर्शन, बाद में खाई प्रसाद की कचौड़ी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में रहे मौजूद। यूपी में मिशन 2022 का बिगुल फूकने कल वाराणसी पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ की बैठक। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तनाव, बिना पुलिस की इजाजत सरकार के खिलाफ रैली करने पर अड़े चंद्रबाबू नायडू, पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका तो हुई नोकझोंक, धरने पर बैठे। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव करेंगे मुलाकात, चुनाव में देंगे समर्थन। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर, पूछा क्या वो बंगाल की बेटी नहीं। बंगाल में उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, कहा इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्ग को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए किया इस्तेमाल। पटना में मना नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन, विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन, गरीबों को बांटे गए फल और दूध। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर नीतीश कुमार को दी सेहतमंद रहने की बधाई, ट्वीट करके नीतीश की अगुवाई में विकास पथ पर बढ़ा बिहार। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी, कहा आपके स्वस्थ सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना। आज से दिल्ली में गहरा सकता है दूध का संकट, हरियाणा की सतरोल खाप पंचायत ने 100 रुपए लीटर दूध बेचने की दी है धमकी, पेट्रोल डीजल की महंगाई से नाराज। दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचने के ऐलान पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई, कहा उनकी ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।